हे गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे कैसीफाई से लिए गए इस आईफोन 12 के बारे में। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं कैसीफाई से आईफोन तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स कि क्या कुछ इसमें आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगभग ये 9 महीने पुराना हो चुका है हमारा आईफोन 12 और क्या कुछ प्रॉब्लम आई है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके जो जैक से, क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही हमने डेटा केबल को चेंज किया तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, मतलब कि जो डेटा केबल थी इसके साथ मिली थी वो ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद हमें जो चेंज करनी पड़ी तभी जाके जो है प्रॉब्लम सही हुई, लेकिन कितने दिन तक सही चलता है ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद अगर बात करें इसके इंटरनल फीचर्स की तो यहाँ पे अंदर हमें कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिली है अभी तक, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है अगर आप कैसीफाई से लेते हैं तो। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हीटिंग, उसके साथ में ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है चारों तरफ का, ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। अगर आप ऑन करते हैं 5G नेटवर्क तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, हालाँकि 4G में ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलती है हीटिंग की, लेकिन 5G में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें इस फ़ोन के फिजिकल व्यू की तो फिजिकल व्यू में फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने इसको सुपर कंडीशन में लिया था लगभग 30,000 के आसपास, और यहाँ पे एक दिक्कत और देखने को मिली थी कि ये जो साइड बटन है ये थोड़ा सा टाइट हो चुके हैं, खासकर ये नीचे वाला ज़्यादा टाइट है, ऊपर वाला जो है ठीक ठाक काम कर रहा है, और जो पावर बटन है वो भी सही से काम कर रहा है। ओवरऑल जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, हालांकि जो बैटरी बैकअप है वो आपको कम मिलता है, क्योंकि 80% के आसपास की जो बैटरी परसेंटेज है वो बची है, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से जो बैकअप है वो देता है। बाकी फेस आईडी वाईडी सब कुछ अच्छे से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरा फेस सामने नहीं है इसलिए, लेकिन लाइट जलती हुई आपको दिख रही होंगी। एलर्ट स्लाइडर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत यही है कि इसकी जो बैटरी है उसके बाद इसका जो गर्म होने का इशू है ये हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं कैसीफाई से आईफोन तो 8-10 हज़ार रुपये और लगा के आप नया ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें आपको बैटरी की भी दिक्कत नहीं रहेगी, हीटिंग की भी दिक्कत नहीं रहेगी, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो 1 साल के अंदर आपको सही करके दी जाएगी, जबकि इसमें आपको केवल 6 महीने की वारंटी मिलती है, वहीं पर आप जो है कुछ सही करा सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है, तो को जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।